आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुम्हें मालूम नहीं ऐसे पार्टी में कॉलेज के सारे गुंडे बदमाश लड़के जमा होते हैं और वो हमारे ग्रुप में कोई गुंडा नहीं है। चलो, चार दिन गुजरे नहीं कॉलेज जाते हुए और सब कुछ जान निकली। सूरज, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? डैडी, मैं सीमा को समझा रहा हूँ कि कॉलेज के लड़कों के साथ ज्यादा घूमना फिरना अच्छा नहीं होता है, लड़कियाँ बदनाम हो जाती है। चौहान, तुम्हारी वजह से प्रेस वाले इस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए तुमने ये गैर जिम्मेदारी का काम किया क्यों? दोस्तों, आज जिस कलाकार की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान थे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थे और उन्हें इस बात पे बहुत नाज था, फ़ख्र करते थे। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि उनके माँ बाप दोनों अपने अपने दौर के टॉप मोस्ट खूबसूरत हैंडसम हीरो और हीरोइन थे, और वो थे प्रेमनाथ और बीना राय। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हम प्रेमनाथ और बीना राय दोनों के छोटे बेटे मोंटीनाथ की। डले, कल टोनी का आखिरी म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, उसके बाद वो 3 साल के लिए विदेश चला जाएगा। जब लौटेगा तो किसी गोरी मेम को लेके लौटेगा। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा डॉली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 100 साल क्यों नहीं लग जाए? मतलब ये कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए, और अगर तुम बबलू की सलामती चाहती हो तो तुम्हें वो रुपए लाकर हमें देने होंगे। मुझे? तुम्हें ठाकुर करण सिंह के पास जाकर बबलू की परवरिश यानी कि उसको पाल पोस कर बड़ा करने की कीमत मांगनी होगी। 25 मई 1958 में पैदा हुए थे मोंटीनाथ मुंबई में एक पंजाबी हिंदू परिवार में। और दोस्तों, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उनके पिता अपने दौर के बहुत ही हैंडसम खूबसूरत नौजवान हीरो थे और उनका नाम था प्रेमनाथ। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वो करेक्टर रोल्स करने लगे। इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का। शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। जिसने जितना ऊंचा लगाया उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठ गया। मोंटी की माँ का नाम था बीना राय। वो बेहद हसीन, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शायस्ता लेडी थी और अपने दौर की टॉप मोस्ट हीरोइन थी। आपको याद दिलाती हूँ, 1963 में उनकी एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था ताजमहल, और उस फिल्म का गाना आज तक लोगों को याद है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मोंटी के एक बड़े भाई भी हैं और उनका नाम है प्रेम किशन, और वो भी हीरो थे। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि मोंटी का असली और पूरा नाम है कैलाश मल्होत्रा। अरे चैन साहब, हमारे वो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। जन्मदिन मुबारक हो सुरेश। इस खुशी के मौके पर हमारे हाथ से घूट नहीं पियोगे? श्योर श्योर। मोंटी इस बात पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनके परिवार के ज्यादातर रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनके 2 चाचा थे और दोनों बहुत मशहूर थे। एक का नाम था राजेंद्र नाथ और दूसरे का नाम था नरेंद्र नाथ। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि मोंटी नाथ की 2 बुआ हैं। बड़ी बुआ का नाम है कृष्णा, उनकी शादी हुई थी राज कपूर जी से, और छोटी बुआ का नाम है उमा और उनके पति का नाम है प्रेम चोपड़ा। और हाँ, ये बताना तो बहुत ज़रूरी है कि इनके जो बच्चे हैं वो सब मोंटीनाथ के कज़न हैं, जैसे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। मोंटी ने अपने स्कूल की पढ़ाई की मसूरी में, वुड
स्टॉक स्कूल से और उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया। और इसकी वजह ये थी कि बचपन से ही उनको एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो अक्सर अपने पिता के साथ आर के स्टूडियो में यानी राज कपूर जी के स्टूडियो में जाते थे, दिन भर वहाँ गुजारते थे, बहुत इंजॉय करते थे और कभी कभी तो कैमरे के सामने शॉट में बैठ भी जाया करते थे। एक दिन मोंटी के पिता प्रेमनाथ जी ने उनसे कहा कि देखो बेटा, फिल्मों में आने के लिए हमारी मदद तो किसी ने नहीं की और ना ही हीरो बनने के लिए मदद की, इसलिए हम भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, अपने बलबूते पे जो बनना चाहते हो खुद बन के दिखाओ। मोंटी ने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो मनोज कुमार के असिस्टेंट बन गए। मोंटी को शेर व शायरी का बहुत शौक़ है और अक्सर वो एक शेर सुनाते हैं, आप भी सुनिए। तेरे बाजू बना सकते हैं तेरी तकदीर, तेरे बाजू बना सकते हैं तेरी तकदीर, अपने हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। मोंटी कहते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि 1978 में मुझे अपने पिता के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला और उस फिल्म का नाम था राहु केतु। तुम्हें बहुत सी चीजें देख कर नहीं देखनी चाहिए और सुनकर नहीं सुनना चाहिए। आज तक यही किया मगर अब नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि न्याय की सूझबूझ रखने वाला कोई भी इंसान अगर अन्याय को देख कर सुनकर खामोश रहता है तो वो चीते जी मर जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं भी चीते जी मर जाऊं? मोंटी कहते हैं कि 1982 मेरे लिए बहुत मुबारक साल था और इसी साल बहसियत हीरो मुझे पहली फिल्म मिली और उस फिल्म का नाम था भाई आखिर भाई होता है। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म चली नहीं और मोंटी को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उसी साल उन्हें एक खुशखबरी भी मिली। उनके अंकल राज कपूर जी ने बताया कि मोंटी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म का नाम है प्रेम रोग, उसमें एक रोल है, तुम करोगे? मोंटी बहुत खुश हो गए और कहेंगे हाँ अंकल, जरूर करूंगा। देखो राधा, घुमा फिरा के कहने की मुझे आदत नहीं, इसलिए मैं सीधा ही कहता हूँ, हमारी तालाब वाली कोठी पर आकर मिल सकती हो? किस लिए? ठाकुर लोग तालाब वाली कोठी पर किसी लड़की को क्यों बुलाते हैं? तुम नहीं जानती? ये फिल्म सुपरहिट हो गई और उसके बाद ऐसी फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया और मोंटी ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन विलन के रोल निभाए। तुम सिक्योरिटी वालों को झांसा देकर ये बॉम्ब वहीं रखोगे जहां जेल की दीवार खत्म होती है और मेरे पिताजी को सही सलामत वापस लाओगे। हम दूर से तुम पर निगरानी रखेंगे और कर्नल, अगर ये बात इसमें कुछ भी गलती हुई तो तुम्हारे सारे खानदान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। छोड़ दो मेरा, मैंने आपकी घड़ी नहीं गिराई। मैं चोर नहीं हूं। अभी पुलिस को बुलाता हूं। मैंने चोरी नहीं की। खुद उगल देगी। मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए। खोल दूंगा, पुलिस से भी बचा लूंगा, बस घड़ी की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मोंटी ने बेशुमार फिल्मों में काम किया लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपनी सारी फिल्मों में सबसे अच्छी लगती है मेरी अदालत, और इसकी वजह यह है कि उस फिल्म में मैंने रजनीकांत के साथ काम किया था। वो तो चली गई मगर इसके जुर्म और इसके गुनाह की कहानी इसकी सही पर लिख गई और यही सबूत है कि ये कातिल है। इंस्पेक्टर, मैं इस शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल और बड़े से बड़े आदमी से ताल्लुकात रखने वाले सेठ मोहन राज का बेटा हूं। अगर तुमने मुझे हथकड़ी लगा दी तो याद रखो उसके साथ साथ तुम्हारी वर्दी भी उतर जाएगी। मोंटी कहते हैं कि मैंने बहुत सी फिल्मों में नेगेटिव रोल किए हैं लेकिन चंद फिल्मों में पॉजिटिव रोल भी किए हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे अपनी अच्छी फिल्म जो लगती है उसका नाम है अग्निपथ, और इसकी वजह यह है कि उस फिल्म में मैंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है। अब उनकी बहन शेट्टी के कब्जे में एक मील आजू बाजू सब झोपड़पट्टी है, अंदर जाने के लिए कम से कम 1000-2000 आदमी का मुकाबला करना पड़ेगा, ये शेट्टी का आदमी ने अपन को बताया। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि फिल्मों में काम करने के साथ साथ मोंटी ने
टेलीविजन के लिए कई बड़े बड़े सीरियल बनाए, प्रोड्यूस भी किए और डायरेक्ट भी किए, जैसे धमाल और पुराना अंदाज। 1980 में मोंटी ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम है अनीता, वो बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत हैं। उनके दो बेटे हैं आदिराज और अर्जुन, और दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोनों ने मिलके अपना एक बैनर बनाया है, उसमें वो फिल्में भी बनाते हैं और टेलीविजन सीरियल भी, और उसका नाम है मेजर मूड एंटरटेनमेंट। और हाँ दोस्तों, ये बात बताना तो बहुत ज़रूरी है कि मोंटी आजकल बहुत बिजी हैं। वो साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं और वेब सीरीज भी। कानून कानून कानून, कौन सा कानून? मैं अपने कानून खुद बनाता हूँ और खुद तोड़ता हूँ। और अक्सर वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।